चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से एयरटेल के फिजिकल सिम को आप ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो हैंडसेट है, जो भी फोन में आप ई सिम यूज करना चाह रहे हैं, उसमें ई सिम का सपोर्ट है या नहीं है। फिलहाल ये आईफोन 13 है और इसमें ई सिम का सपोर्ट है। अगर आप कोई एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं लाइक गूगल पिक्सल 6 है, इसमें भी ई सिम का सपोर्ट है, तो प्रोसेस जो है वो सिमिलर होने वाला है। नेक्स्ट टाइम हम जियो के फिजिकल सिम को जब ई सिम में कन्वर्ट करेंगे तो उस समय हम आपको एंड्रॉइड फोन के साथ एक ट्यूटोरियल जो है वो शेयर कर देंगे। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे आईफोन में देखेंगे और प्रोसेस जो है वो एंड्रॉइड एज वेल एज आईफोन के लिए सेम ही रहने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो वीडियो है ये सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के रियर कैमरा से 4K 30 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है। फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी फोन में ई सिम यूज करना चाह रहे हैं उसमें ई सिम का सपोर्ट हो। तो अपने एयरटेल के फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैसेज एप्लीकेशन में जाना है या 1-to-1 पे सेम एयरटेल नंबर जिसको आप ई सिम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस नंबर से आपको ई सिम, जिसमें ई जो है वो स्मॉल में रहेगा, बाकी सिम जो है वो कैपिटल में रहेगा, स्पेस अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको इस तरीके से सेंड करना है। अगर कोई भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इस तरीके का एक मैसेज देखने के लिए मिलेगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपके एयरटेल नंबर से कोई भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहले आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी रजिस्टर करने के लिए आप अपने सेम एयरटेल नंबर से जो है ना 1-to-1 पे कॉल कनेक्ट करेंगे। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं। तो यहां पे जो है ना आपको 1 प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको 2 प्रेस करना होगा। IVR का पूरा इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद आपको फिर से 1 प्रेस करना है। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो यहाँ पे आपको कस्टमर स्पेशलिस्ट से बात करना है, इसके लिए आपको 9 प्रेस करना है। अगर आपका कॉल 1-to-1 अधिकारी को ट्रांसफर करना है तो कृपया 1 दबाएं। उसके बाद आपको 1-to-1 कस्टमर अधिकारी से बात करना है तो आपको 1 प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जो है ना कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं और उनको आपको बताना होगा कि आपको ई सिम के लिए अपने फ़ोन नंबर से अपना ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर करवाना है। फिर वो आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेंगे और आपको अपना जो भी ईमेल आईडी अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करवाना है वो उनके साथ शेयर करना है। तो एक बार जब अपना ईमेल एड्रेस कस्टमर केयर के साथ शेयर कर देते हैं ना, उसके 24-to-48 आवर के बाद आपको इस तरीके का एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपका फोन नंबर और जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके रिप्लाई में जो है ना आपको कंफर्म लिखना है कैपिटल में कुछ इस तरीके से और सेंड कर देना है। एक बार जब आप कंफर्म सेंड कर देते हैं ना, उसके बाद आपको इस तरीके का एक मैसेज देखने के लिए मिलेगा जहां पे आपको बताया जाएगा कि आपके फोन नंबर से आपका ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर कर दिया गया है। तो एक बार जब आपका ईमेल एड्रेस आपके फोन नंबर के साथ रजिस्टर हो जाता है ना, उसके बाद आपको ई सिम स्पेस अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो है 1-to-1 पे सेंड करना है और आपको इस तरीके का एक मैसेज जो है वो क्विकली देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके रिप्लाई में जो है ना आपको 1 रिप्लाई करना है विद इन 60 सेकेंड कन्फर्म करने के लिए। तो एक बार जब आप 1 लिख के रिप्लाई करते हैं विद इन 60 सेकेंड और ई सिम कन्वर्जन के प्रोसेस को कन्फर्म करते हैं ना, उसके बाद आपको एयरटेल की तरफ से क्विकली रिप्लाई आएगा मैसेज जिसमें ये बताया जाएगा कि ये जो ई सिम कन्वर्जन का प्रोसेस है इसको रिकन्फर्म करने के लिए आपको जल्द ही एक कॉल रिसीव होगा। हमें आपके एयरटेल मोबाइल के लिए ई सिम बदलने का अनुरोध मिला है, कृपया अपने ई सिम बदलने के अनुरोध को जारी रखने के लिए 8 दबाएं या अनुरोध को तुरंत रद्द करने के लिए 2 दबाएं। धन्यवाद, आपका सिम अगले 2 घंटों में बदल दिया जाएगा। तो ई सिम एक्टिवेशन के लिए जो रिकन्फर्मेशन के लिए आपको कॉल आता है वहां पे आपको 8 प्रेस करके जो है ना कंफर्म कर देना है ई सिम एक्टिवेशन को। और जैसे ही आप ई सिम एक्टिवेशन को कॉल पे कंफर्म करते हैं ना, आपको 1-to-1 पे एयरटेल की तरफ से ये एक रिप्लाई मैसेज आएगा। और इस मैसेज में बताया गया है कि आपको एक क्यूआर कोड जो है ना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। एक बार जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके ई सिम एक्टिवेट करते हैं तो विद इन 2 आवर आपका ई सिम एक्टिवेट हो जाएगा और उस दौरान जो है ना आपका फिजिकल सिम ही काम करेगा और इनकमिंग एंड आउटगोइंग एसएमएस जो है वो एक्टिवेट होने में 24 आवर का टाइम लगेगा। एंड जैसे ही आप कॉल पे कंफर्म करते हैं ना ई सिम एक्टिवेशन को, आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो है ना इस तरीके का एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगा जिसमें एक क्यूआर कोड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे ई सिम एक्टिवेशन में जो है ना अलग अलग फोन्स में प्रोसेस जो है वो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हैं तो ई सिम एक्टिवेट करने के लिए हमको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में यहाँ पे हमको मोबाइल डेटा में जाना है एंड यहाँ पे आपको जो है ना ऐड ई सिम का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। फिर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, फिर आपको यहाँ पे सेटअप मोबाइल सर्विसेज का पेज देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपने पुराने आईफोन से नए आईफोन पे ई सिम ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे।
बट अगर आप एक न्यू ई सिम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्यूआर कोड से, तो यहाँ पे आप यूज क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो जाता है। और इसी कैमरा ऐप के थ्रू जो है ना, आपको जो ईमेल पे क्यूआर कोड मिला है जस्ट उसको आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड जो है वो स्कैन हो गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो रहा है। जब आप ई सिम कन्वर्ट करें या जब क्यूआर कोड स्कैन करें, तब आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल डेटा कनेक्टेड हो, मतलब आपका फोन जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। एंड उसके बाद आपको एक्टिवेट ई सिम का एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आपको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे ये एक्टिवेटिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्टिंग टू नेटवर्क शो कर रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क का जो आइकन है ना स्टेटस बार में, ये फ्लक्चुएट करके अब चेंज हो गया है। थोड़ा सा हम आपको क्लोज लाके दिखाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, मतलब स्टेटस बार में जो नेटवर्क का आइकन है उसके नीचे आपको डॉट डॉट सा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई सिम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। कंटिन्यू के ऊपर हम टैप करेंगे एंड दैट्स इट। अब हमको यहाँ पे जो है ना अराउंड 2 घंटा वेट करना पड़ेगा एंड फिलहाल मेरे आईफोन में जो है ना वो सिंगल एयरटेल का फिजिकल सिम लगा हुआ है जो यहाँ पे प्राइमरी है। आप देख सकते हैं ये ऑन शो कर रहा है और इसी को हम ई सिम में कन्वर्ट किए हैं जो कि यहाँ पे पर्सनल में एक्टिवेटिंग स्टेज में शो कर रहा है। तो एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है ना, तब माइट भी ये प्राइमरी जो है वो ऑफ हो जाएगा या फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद हम आपको ये स्टेटस दिखा देंगे कैसा शो करता है। और इस तरीके से आप एयरटेल के फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जैसे ही फिजिकल सिम का ई सिम में कन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, स्टेटस बार में ये जो नेटवर्क आइकन था ये एक दो बार ब्लिंक किया था एंड अब आप देख सकते हैं कि ये जो नेटवर्क आइकन है ये भी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अलग सा दिख रहा है। नीचे में यहाँ पे आपको डॉट डॉट सा दिख रहा है। फ्रेंड्स, फाइनली मेरा एयरटेल का जो फिजिकल सिम था वो ई सिम में कन्वर्ट हो गया है एंड यहाँ पे अगर हम आपको कंट्रोल सेंटर में दिखाएं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा फिजिकल सिम था अब उसमें नो सर्विस शो कर रहा है एंड यहाँ पे मेरा ई सिम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। हमको अराउंड 3 घंटे का समय लगा और ये जो स्टेटस बार में नेटवर्क स्ट्रेंथ का अलग सा आइकन शो कर रहा है ना, बिकॉज ये 2 पार्ट में है, बिकॉज अभी मेरे आईफोन 13 में जो है ना फिजिकल सिम भी लगा हुआ है और ई सिम भी लगा हुआ है। फिजिकल सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो डॉट है वो ब्लैंक शो कर रहा है और नीचे में ई सिम है उसमें आपको एक नेटवर्क स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहा है। अब हम आपके सामने ही जो है ना फिजिकल सिम को अपने आईफोन से बाहर निकाल देंगे। उससे पहले एक बार हम आपको सेटिंग में लेके चलते हैं मोबाइल डेटा में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा प्राइमरी भी ऑन है और पर्सनल भी ऑन है। प्राइमरी जो था वो मेरा फिजिकल सिम था एंड पर्सनल जो है ये मेरा फिजिकल सिम का ई सिम में कन्वर्ट होने के बाद जो नेम है वो शो कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम मोबाइल डेटा वाले सेक्शन में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर हम पर्सनल मतलब कि ई सिम से मोबाइल डेटा एक्टिवेट करते हैं ना, तब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करने लगेगा। अब फटाफट से आपको यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम फटाफट से जो है ना आपके सामने एक अनकट वीडियो में जो है ना इसमें जो फिजिकल सिम लगाए थे एयरटेल का वो हम निकाल लेते हैं। मेरा ये जो आईफोन 13 है ये इंडियन वेरिएंट है जिसमें हम एक सिम लगा सकते हैं, इसके अलावा एक ई सिम भी लगा सकते हैं। तो अब ये जो फिजिकल सिम है ये किसी भी काम का नहीं है, अब ये ई सिम में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब हमको इस ई सिम को फिजिकल सिम में कन्वर्ट कराना होगा तो उसके लिए जो एयरटेल का स्टोर होता है या एयरटेल का जो गैलरी होता है वहां पे जाके जस्ट हमको बोलना होगा कि इस ई सिम को फिजिकल सिम में कन्वर्ट कराना है, बिकॉज अब ये सिम जो है ये फिजिकल सिम जो है ये किसी काम का नहीं है, तो आप इसको फेंक सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिम ट्रे बाहर है एंड यहाँ पे हमको जो है नेटवर्क यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है। एंड अब अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में मोबाइल डेटा सेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में जो है ना कोई भी सिम कार्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से एयरटेल के फिजिकल सिम को ई सिम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ई सिम से फिजिकल सिम में कैसे कन्वर्ट करना है उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करें तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जियो के फिजिकल सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करना है और एंड्रॉइड फोन में किस तरीके से फिजिकल सिम से ई सिम कन्वर्ट करके उसको एक्टिवेट करना है उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।